बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मिसबा अमीर, लेक्चर बॉटनी फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज खानीवाल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक्सक्रीशन इन हाइड्रा, प्लेनेरिया, अर्थवर्म एंड कॉकरोच। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सक्रीशन इन हाइड्रा। हाइड्रा जो है दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म। बेसिकली ये क्या है, ये नाइडेरियन है। इसके अंदर क्या होता है, एक अदद गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी मौजूद होती है विद अ सिंगल ओपनिंग। मतलब इसका ट्यूबुलर सिस्टम नहीं है, टू ओपनिंग्स नहीं होती, सिंगल ओपनिंग होती है। माउथ, दैट इज़ कॉल्ड माउथ। इसी माउथ के थ्रू जितने भी यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं वो बॉडी के अंदर आएंगे और जो एक्सक्रीटरी वेस्ट हैं वो बाहर निकलेंगे। बेसिकली डिफ्यूजन के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट्स इसकी बॉडी से क्या होते हैं, बाहर सराउंडिंग में निकल जाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट एक्सक्रीशन इन हाइड्रा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में क्या आ जाता है, प्लेनेरिया इज अ फ्लैट फॉर्म। ये बेसिकली क्या है, एक फ्लैट फॉर्म है। प्लेनेरिया के अंदर एक ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद होता है जिसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोनेफ्रीडियम बोलते हैं। इट इज़ टर्म्ड एज प्रोटोनेफ्रीडियम। प्रोटोनेफ्रीडियम इसको कहा जाता है। प्रोटोनेफ्रीडियम अब क्या होता है, प्रोटोनेफ्रीडियम इज अ नेटवर्क ऑफ क्लोज ट्यूब्यूल्स। क्लोज ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क होता है विदाउट इंटरनल ओपनिंग, जिसके अंदर इंटरनल ओपनिंग नहीं होती। ये जो ट्यूबुलर सिस्टम है ये पूरी की पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड हुआ हुआ होता है। ये इनकी जो ब्रांचेस हैं, ट्यूब्यूल्स की जो ब्रांचेस होंगी, दैट आर कैप्ड बाय अ सेलुलर सेटअप। सेलुलर सेटअप के थ्रू ये जो इनकी ओपनिंग्स हैं वो कैप हुई हुई होती हैं। मतलब एक कैप लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, दैट इज़ बेसिकली टर्म्ड एज फ्लेम सेल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेम सेल बोलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इसके अंदर जितना भी ट्यूबुलर सिस्टम है पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड हुआ हुआ है, कोई इंटरनल ओपनिंग नहीं है। ये ट्यूब्यूल्स हैं, ट्यूब्यूल्स के ऊपर क्या होंगे, ये कैप लाइक मटेरियल मौजूद हैं जिनको हम लोग फ्लेम सेल बोलते हैं। अब ये फ्लेम सेल्स क्या होते हैं, फ्लेम सेल्स के अंदर बेसिकली अगर हम लोग इसकी इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर सिलिया मौजूद होते हैं। सिलिया मौजूद होते हैं, ये क्या करते हैं, इनकी जब बीटिंग होती है तो जो इंटरस्टीशियल फ्लूड है वो इसके अंदर आ जाता है, डिस्ट्यूबुलर सिस्टम के अंदर आ जाता है। क्योंकि ये सिलिया जो होते हैं ये बीट करते रहते हैं, इसलिए ये क्या लगता है, ये फ्लिकरिंग फ्लेम की तरह लगते हैं। दैट इज़ वाई वी हैव टर्म्ड देम एज फ्लेम सेल्स। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, फ्लेम सेल्स बोलते हैं। बेसिकली ये तो सारा आ गया इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में हमारे पास दो तीन पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। प्रोटोनेफ्रीडियम है, क्लोज ट्यूब्यूल्स हैं, फ्लेम सेल मौजूद होते हैं। फ्लेम सेल्स को फ्लेम सेल्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि फ्लिकरिंग मूवमेंट होती है सिलिया की, बीट करते हैं और फ्लूड को अंदर लेके आते हैं। That's why these are called as flame cells. And now we will discuss about the mechanism of excretion. Excretion का mechanism क्या हो सकता है, इसके अंदर basically तीन steps आ जाते हैं। First step के ऊपर interstitial fluid drawn into tubular system due to beating of cilia of flame cell. ये जो basically अगर आप देखें तो ये जो फ्लेम सेल के अंदर सिलिया मौजूद है इनकी बीटिंग होगी, जिसकी वजह से जो इंटरस्टीशियल फ्लूड है वो इसके अंदर आ जाएगा, इन फ्लेम सेल्स के अंदर आ जाएगा। द ट्यूबुलर सिस्टम इज ड्रेन्ड इनटू एक्सक्रीटरी डक्ट्स। फिर उसके बाद ये किस में चला जाएगा, एक्सक्रीटरी डक्ट्स के अंदर खुलेगा। एक्सक्रीटरी डक्ट्स ओपन टू द एक्सटीरियर थ्रू सेवरल नेफ्रिडियो पोर्स, और ये बाहर की तरफ खुलेंगी किसके थ्रू, नेफ्रिडियोपोर्स के थ्रू। दिस वॉज ऑल अबाउट द एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम इन अर्थवर्म।
अब अर्थवर्म क्या है बेसिकली, इनके अंदर क्या होता है, ट्यूब्यूलर एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद होता है, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटानेफ्रिडियम बोलते हैं। मेटानेफ्रिडियम क्या है, ये हर अर्थवर्म के हर सेगमेंट के अंदर एक पेयर मौजूद होता है मेटानेफ्रिडिया का। अब ये मेटानेफ्रिडियम क्या चीज़ होती है, इस सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इंटरनल सिलिएटेड ओपनिंग नेफ्रोस्टोम, इसके अंदर बेसिकली क्या होती है, एक इंटरनल ओपनिंग होती है, जैसे कि आप ये इधर डायग्राम में भी देख सकते हैं, इंटरनल ओपनिंग है जिसको हम लोगों ने क्या बोलना है, नेफ्रोस्टोम बोलना है। नेफ्रोस्टोम सेकेंड पॉइंट आ जाता है इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर, नेफ्रोस्टोम विद कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल मौजूद होती है नेफ्रोस्टोम के साथ, जो कि क्या इमर्स्ड हुई हुई होती है सिलोमिक फ्लूइड के अंदर। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स इज कवर्ड बाय अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, यू कैन सी इन द डायग्राम, ये कैपिलरीज का नेटवर्क है जिन्होंने इसको कवर किया हुआ है, पूरा का पूरा नेटवर्क है जिन्होंने इसको कवर किया हुआ है। नेफ्रिडियो पोर थ्रू विच नेफ्रिडियम ओपन्स टू द आउटसाइड, और फिर उसके बाद क्या मौजूद होता है, नेफ्रिडियो पोर मौजूद होता है, ये जैसे कि आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं, नेफ्रिडियो पोर मौजूद है जिसके थ्रू ये क्या कहाँ ओपन होते हैं, आउटसाइड ओपन हो जाते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन, इसका एक्सक्रीशन का मैकेनिज्म क्या है, इसके अंदर फाइव स्टेप्स आते हैं। फर्स्ट स्टेप पे अगर हम लोग देखें, नेफ्रोस्टोम कलेक्ट सिलोमिक फ्लूइड, नेफ्रोस्टोम ने क्या करना है, सिलोमिक फ्लूइड को कलेक्ट करना है। सिलोमिक फ्लूइड मूव्स अलोंग ट्यूब्यूल, फिर ये जो सिलोमिक फ्लूइड है ये कहाँ मूव करेगा, ट्यूब्यूल के अंदर मूव करेगा। उसके बाद एपिथीलियम रीअब्सॉर्ब्स द सॉल्ट्स फ्रॉम ल्यूमन ऑफ ट्यूब्यूल्स, फिर जो एपिथीलियल लेयर्स हैं वो क्या करेंगी, ल्यूमन में से सॉल्ट्स वगैरह को रीअब्सॉर्ब करेंगी। रीअब्सॉर्ब फ्लूइड सेंड टू ब्लड वेसल्स के थ्रू उनके पास भेज दिया जाएगा, जो कि बेसिकली क्या कर रही है, उसको सराउंड कर रही है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट हमारे पास आ जाता है एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म का, रिमेनिंग फ्लूइड आफ्टर रीअब्सॉर्प्शन इज नाउन एज यूरिन, इट कंटेन नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिन हैविंग नाइट्रोजनस वेस्ट इज एक्सपेल्ड आउट बाय नेफ्रिडियोपोर, नेफ्रिडियोपोर के थ्रू ये बाहर की तरफ निकल जाएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट द एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। कॉकरोच बेसिकली हमारे पास किससे बिलोंग करता है, फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। ये क्या होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये बेसिकली मालपीगियन ट्यूब्यूल्स पर कंसिस्ट करता है। अब ये मालपीगियन ट्यूब्यूल्स क्या होती हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम द हेमोलिम्फ इन साइनसेस, एज यू कैन सी दैट हेमोलिम्फ इन साइनसेस थ्रू सस्पेंडेड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स किस में चला जाता है, मालपीगियन ट्यूब्यूल्स के अंदर चला जाता है। दीज मालपीगियन ट्यूब्यूल्स रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द हेमोलिम, हेमोलिम से मालपीगियन ट्यूब्यूल्स का काम क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना। दीज आर द ओनली एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इन एनिमल किंगडम दैट आर एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये क्या होती है, ये बेसिकली डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ एसोसिएट हुई हुई होती है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम। ये हमारे पास क्या है, ये मालपीगियन ट्यूब्यूल्स हैं, बेसिकली इन्होंने क्या करना है, हेमोलिम से जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं उनको कलेक्ट करना है, और डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू रेक्टम एंड देन एनस और फिर बॉडी से पास आउट कर देना है। अच्छा, अब इसका मैकेनिज्म क्या है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन, द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ ट्यूब्यूल्स ट्रांसपोर्ट्स सोल्यूट्स इंक्लूडिंग सॉल्ट्स एंड नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम हेमोलिम्फ इनटू ट्यूब्यूल्स ल्यूमन। बेसिकली जो एपिथीलियल लाइनिंग है वो क्या करेगी, ट्यूब्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करेगी, जिसके अंदर सॉल्ट्स भी होंगे नाइट्रोजनस वेस्ट भी होंगे, हेमोलिम्फ से ट्यूब्यूल्स के ल्यूमन के अंदर, ये हमारे पास आ जाती हैं ट्यूब्यूल्स, इनके ल्यूमन के अंदर सारे नाइट्रोजनस वेस्ट और सॉल्ट वगैरह एक्यूमुलेट हो जाएंगे,
फ्लूड देन पासिस टू हाइंड गट, उसके बाद ये जितना भी ये फ्लूड है ये कहाँ पे पास हो जाएगा, हाइंड गट की तरफ चला जाएगा। रेक्टम रीअब्सॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स एंड वाटर, फिर उसके बाद ये किसके पास जाएगा, इसने जाना है रेक्टम के पास, रेक्टम के पास जाएगा। रेक्टम का काम क्या है, वो रीअब्सॉर्प्शन करेगा सॉल्ट्स की, वाटर की, मिनरल्स की। द नाइट्रोजनस वेस्ट आर एक्सक्रीटेड एज सॉलिड एक्सक्रीटा यूरिक एसिड के फॉर्म में, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये बॉडी से जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। दिस वॉज ऑल अबाउट द एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। उसके बाद अगर हम लोग कंपैरिजन की बात करते हैं तो तीनों के अंदर अगर हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम को कंपेयर करें तो हम लोग देख सकते हैं कि एज यू कैन सी इन द डायग्राम, प्लेनेरिया के अंदर ट्यूब्यूलर सिस्टम है, फ्लेम सेल्स मौजूद होते हैं, प्रोटोनेफ्रीडिया होता है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था अर्थवर्म को, अर्थवर्म के अंदर बेसिकली नेफ्रीडिया मौजूद होते हैं, नेफ्रोस्टोम होता है, नेफ्रीडियोपोर होता है, कैपिलरीज का नेटवर्क होता है जो रीअब्सॉर्प्शन में हेल्प करता है। दिस वाज ऑल अबाउट एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कॉकरोच की, कॉकरोच के अंदर क्या होता है, मालपिगियन ट्यूब्यूल्स होती हैं दैट आर बेसिकली एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ एसोसिएट हुई होती है। नाइट्रोजनस वेस्ट एब्जॉर्प्शन के बाद कहाँ पे जाती है, हाइंड गट की तरफ जाती है। हाइंड गट में रेक्टम में क्या होती है, रीएब्जॉर्प्शन होती है, कोई भी अगर यूजफुल सॉल्ट्स हैं, वाटर है, मिनरल है, वो रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे और उसके बाद एनस के थ्रू ये बॉडी से एक्सपेल्ड आउट कर दिए जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। दिस वॉज ऑल अबाउट द कंपेरिजन इन एक्सक्रीटरी सिस्टम्स ऑफ प्लेनेरिया, अर्थवर्म एंड कॉकरोच। ओके स्टूडेंट्स, सी यू टुमारो, गुड बाय, गुड लक नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट टॉपिक्स, होप यू विल अंडरस्टैंड इट। एंड एट द एंड देर इज अ रिक्वेस्ट अगेन, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।